हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अक्सर आप लोगों का कमेंट्स आता है कि मैम, हमें ये सारे लक्षण दिख रहे हैं और हमारा पीरियड्स अभी आने में देरी है, या फिर पीरियड नहीं आए हैं, या फिर हमने अभी अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना लिए हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन चाहे जितने भी सारे सिम्टम्स या फिर साइन आपको दिखे, प्रेगनेंसी उससे कन्फर्म नहीं होती है। प्रेगनेंसी को 100% कन्फर्म करने के लिए आपको अपना पीरियड मिस होने का इंतज़ार करना चाहिए। पीरियड मिस होने को प्रेगनेंसी का कन्फर्मेटरी साइन से एक माना जाता है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी को कन्फर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, या फिर 10 हो, फिर भी आपको पीरियड मिस होने का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो ये पक्का साइन माना जाता है प्रेगनेंसी का। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो ये प्राइमरी कन्फर्मेशन होता है आपका प्रेगनेंसी का। लेकिन सिर्फ पीरियड मिस होना ही प्रेगनेंसी को कन्फर्म नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी ना होते हुए भी किसी और कारण के वजह से आपका पीरियड मिस हो सकता है। इसीलिए अगर आप अपना प्रेगनेंसी कंफर्म करना चाहते हैं तो पीरियड मिस हो जाने का इंतज़ार कीजिए। पीरियड मिस हो जाने के 8 से 10 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको 2 लाइन दिखता है तो ही आप कन्फर्म हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपके शरीर में जो बीटा एसिजी हार्मोन है वो डेवलप होना शुरू होता है। लेकिन वो जब बीटा एसिजी हार्मोन है वो आपके यूरिन तक आने में और यूरिन में डिटेक्ट होने में लगभग 10 से 12 दिन तक समय लगता है। अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किससे कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिख रहे हैं लेकिन जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है वो नेगेटिव शो रहा है, तो इस केस में आप अपना प्रेगनेंसी कंफर्म कराने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं जो एससीजी हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो आपके ब्लड में भी आता है। ये जो एससीजी हार्मोन है वो यूरिन से डिटेक्ट होने पहले ब्लड में जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी ब्लड में डिटेक्ट करने के लिए 8 से 10 दिन का टाइम लगता है और यूरिन में डिटेक्ट होने के लिए 12 से 15 दिन तक समय लग सकता है। अगर आप अपना प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं तो पीरियड मिस होने का इंतज़ार कीजिए और उसके 8-10 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 पिंक लाइन आता है तो ही आप कंफर्म हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर आप इतना देर इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो पीरियड मिस होने से 1-2 दिन पहले या फिर 1-2 दिन के बाद आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, और ये ब्लड टेस्ट से आप 99% कन्फर्म हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। इसके अलावा और भी एक मेथड है प्रेगनेंसी को कन्फर्म करने के लिए, वो है सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड। अगर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है या फिर एक पिंक और एक हल्की पिंक आता है, तो इस केस में आप अपना प्रेगनेंसी कंफर्म कराने के लिए सोनोग्राफी का भी मदद ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे कि आपका जी मचलाना, आपको नौजिया हो जाना, आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाता है, आपको थकान लगता है, उल्टी जैसे महसूस हो सकता है, आपका मूड स्विंग्स हो सकता है। चाहे जितने भी सारे लक्षण आपको दिखे लेकिन इससे आप प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं करा सकते हैं। ये सारे लक्षणों से सिर्फ आप गेस कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी को कंफर्म कराने के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आइदर ब्लड के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू कराना ही होगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप अपने प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। सो फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके सारे सवालों का आंसर देने को कोशिश करूँगी। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।